आज पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 4, साइंस एनसीईआरटी, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। मटेरियल्स मीन्स चीज़, जिस चीज़ से वो बने हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपके, सामान, सामान या फिर वस्तु। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं सामान या वस्तु को, और मटेरियल्स बोलते हैं जिन चीज़ से वो बना है या फिर जिस सामग्री से वो बना है। तो उनको हम क्या करेंगे, मटेरियल्स को सॉर्ट करेंगे ग्रुप्स में। ठीक है, मतलब जिस सामग्री मीन्स चीज़ को किस में करेंगे हम सॉर्ट, छाटेंगे ग्रुप्स में। ग्रुप्स आपको पता है 4.1, ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ठीक है, जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं हम, वस्तु को। वी सो दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। हम देखते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, फूड और क्लोथ्स कपड़े, उसमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटी है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। ना ही बल्कि सिर्फ जो फूड या फिर जो हम कपड़े पहनते हैं उसमें वेराइटी है, बल्कि और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे आसपास, उसमें भी बहुत वेराइटी है। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे आसपास चेयर हो गई, हमारी कुर्सी हो गई, बुलक कार्ट, गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, कुकिंग जिसमें हम यूटेंसिल्स जिसमें हम खाने का सामान बनाते हैं, बुक्स हो गई आपकी, कपड़े, टॉयज, क्लॉथ्स, टॉयज मीन्स खिलौने, वाटर, स्टोन्स, पत्थर, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं ऐसे ही। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड यूजेस। ठीक है, तो इन सब ऑब्जेक्ट्स के, इन सब वस्तु की क्या है, अलग अलग शेप्स हैं इनके, अलग अलग कलर है और अलग अलग इनके यूजेस हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। ठीक है, तो हमें अपने आसपास देखना है और उन ऑब्जेक्ट्स को पहचानना है जो जिनकी शेप कैसी है, आकार जिनका राउंड है, गोल है। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल। ठीक है, हमारे लिस्ट में क्या आ सकता है, रबर बॉल हो गई जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल, कंचे। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट देर आर नियरली राउंड। ठीक है, अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स को छांट रहे हैं, मतलब ले रहे हैं जिसमें क्या है, जिनकी शेप राउंड है, तो हमारी लिस्ट में वो क्या क्या आएगा। और ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एप्पल्स हो गए आपके, सेब, ऑरेंजेस, संतरे, है ना, अर्दन पीचर जिसको हम घड़ा बोलते हैं। सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। ठीक है, हम सपोज करिए हम उस ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनकी शेप क्या, जो क्या है, एडिबल मीन जिसे हम खा सकते हैं। तो वी माइट इंक्लूड ऑल आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। ठीक है, तो उसमें वो सारे ऑब्जेक्ट आइटम्स आ सकते हैं जो कि हमारे लिस्ट में है चैप्टर 1 में, टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 में। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। ठीक है, तो हम वहाँ से हमें ये भी पता चलेगा कि उनमें से जो वहाँ पर राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो उन लिस्ट में हैं, आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में भी हैं। तो हमें वहाँ से क्या पता चलेगा कि जो हमने यहाँ पर अभी राउंड शेप ऑब्जेक्ट, जो खाने के इसमें हमने सामान जो है ऑब्जेक्ट खाने के जो हमने अभी यहाँ पर देखे हैं, जैसे कि आपके एप्पल्स हो गया, ऑरेंज, वो उन लिस्ट में भी मिलेगा आपको जो टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 में है। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कहें कि हमें क्या बनाना है, कि हम क्या चाहते हैं, ऐसा ग्रुप चाहते हैं ऑब्जेक्ट जिस जो किससे बने हुए, प्लास्टिक से बने हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, बकेट्स हो गया आपकी, बाल्टी, लंच बॉक्सेस हो गए आपके, टॉयज, वाटर। ठीक है, तो ये कंटेनर्स, पाइप्स, ये सब कौन से ऑब्जेक्ट है जो कि प्लास्टिक से बने हैं। एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। ठीक है, और भी जो ऑब्जेक्ट प्लास्टिक से बने हैं उस इस ग्रुप में, उनको जगह मिलेगी। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। ठीक है, जो हम अभी आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इसमें हमने किस बेस पे ग्रुप किया है ऑब्जेक्ट्स को, उनकी शेप्स के बेस पर, और उन जिस मटेरियल से बने हैं, वो सामग्री से बने हैं, उसके बेस पर हमने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड किया है। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल।
ठीक है, जितने भी हमारे पास आसपास सामान है या फिर ऑब्जेक्ट वस्तु है, वो या तो एक मटेरियल से बनी है या फिर अलग अलग मटेरियल से बनी है, या तो एक ही चीज़ से बनी है या फिर अलग अलग चीज़ों से बनी है वो। दीज मटेरियल्स मे बी ग्लास, ठीक है, ये मटेरियल्स में क्या क्या आ सकता है हमारा? ग्लास हो गया आपका, मेटल हो गया, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, ठीक है, पेपर, मड और सॉइल, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हो सकते हैं? मटेरियल, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? क्या आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं मटेरियल के? ठीक है, हाँ, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है। स्टील हो गया आपका, है ना, स्टील, और आपका स्टील हो गया, और आपकी रॉक्स हो गई। अब पढ़ेंगे हम एक्टिविटी वन। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, ठीक है। हम जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कलेक्ट करेंगे अपने आसपास से। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो फाइंड सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, ठीक है। तो कुछ हम ऐसे ऑब्जेक्ट कलेक्ट करेंगे जो हम एवरीडे यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करते हैं, और कुछ हम ऐसे ऑब्जेक्ट कलेक्ट करेंगे जो कि हम जैसे क्लासरूम में यूज़ करते हैं या फिर आउटसाइड द स्कूल के बाहर से भी हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट ले लेंगे। वट विल वी हैव इन आर कलेक्शन? तो हमारे कलेक्शन में जो हमने इकट्ठा किया उसमें क्या क्या आ गया आपका? जैसे कि चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, अ नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, ठीक है। चॉक हो गई आपकी, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, हथौड़ा, नेल हो गया आपकी, कील, है ना। तो ये सब हमने ऑब्जेक्ट जैसे कि बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पटैटोज, ठीक है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाई है। यू कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, ठीक है। हम ऐसे ऑब्जेक्ट की भी लिस्ट बना सकते हैं जो हम क्लासरूम में नहीं ला सकते पर हम उनके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। हम सोच सकते हैं ना, क्लासरूम में नहीं ला सकते, जैसे कि आपके वॉल हो गए, ट्री, दीवार, पेड़, दरवाजे, ट्रैक्टर, रोड। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इंटू टू ग्रुप्स, ठीक है। तो हमें उनमें से वो ऑब्जेक्ट अलग करने हैं जो कि पेपर और वुड से बने हैं। तो इस तरीके से हमने जो ग्रुप्स को जो है मटेरियल्स के ग्रुप्स को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। टू ग्रुप्स में हमने मटेरियल्स को डिवाइड कर दिया है। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, ठीक है। तो एक ग्रुप कौन सा है हमारे पास, ठीक है, जो जिसमें क्या है ऑब्जेक्ट किससे बने हैं? पेपर और वुड से। वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो दूसरा ग्रुप है उसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट बने हैं वो इन जो हमारा दूसरा ग्रुप है उसमें पेपर और वुड से जो नहीं बने हैं ऑब्जेक्ट्स वो आ गए, है ना। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है। तो ऐसे ही हम सिमिलरली वो सेपरेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स जिससे जो किस चीज़ें जो कि फूड बनाने के काम आती हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1, ठीक है। तो हम थोड़ा और सिस्टमेटिक हो जाते हैं अब। तो अब हम क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाते हैं जो कि हमने टेबल 4.1 में किया है, ठीक है। तो हम 4.1 में ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं हमें टेबल 4.1 में। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ, ठीक है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो किस मटेरियल से बने हैं। इट वुड बी फन टू मेक दिस लार्ज टेबल, ठीक है, इसमें थोड़ा हमें मज़ा आने वाला है टेबल बनाने में। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी एज पॉसिबल, इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, ठीक है। तो हमें क्या करने की, ज़्यादा से ज़्यादा इन ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड, ठीक है। तो हो सकता है कि हमें मुश्किल आए उस मटेरियल का फाइंड आउट करने में जिससे वो ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड टीचर, ठीक है। तो इस केस में हमें अपने टीचर्स, फ्रेंड्स और फैमिली की क्या करनी है, पेरेंट्स से हमारे हेल्प लेनी है। टेबल 4.1 पढ़ेंगे हम। ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट
सामान और चीज़ जिससे वो बने हैं, ऑब्जेक्ट्स। और मैं यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स लिखा है एक साइड मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। ऑब्जेक्ट्स मीन्स चीज़, ऑब्जेक्ट्स मीन्स आपका सामान, और मटेरियल्स मीन्स जिस चीज़ से बने हो। जैसे कि प्लेट, थाली किससे बनी है आपकी? स्टील, ग्लास मीन्स किस किस से बन सकती हैं। जैसे कि थाली स्टील से भी बन सकती हैं, ग्लास की भी हो सकती हैं, प्लास्टिक की भी हो सकती हैं। पैन किसका हो सकता है? प्लास्टिक के भी, मेटल के भी, है ना। तब आप पढ़ेंगे हम एक्टिविटी टू, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स। ठीक है, तो लिस्ट 4.2 में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मटेरियल्स मीन्स चीज़ें हैं, सामग्री भी बोलते हैं जिसे हम, जिस ठीक है, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, और हम इसमें और भी यूज़ कर सकते हैं मटेरियल्स में। तो कॉलम वन दैट आर नोन टू, तो कॉलम वन हमें पता है, ठीक है, किस चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, अलग अलग चीज़ें हैं। तो अलग अलग चीज़ों से जो जो हम सामान यूज़ करते हैं डेली डेली यूज़ के लिए, या फिर उस चीज़ से जो सामान बन सकते हैं, हमें वो लिखना है कॉलम टू में। तो अब देखेंगे यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स। ठीक है, तो टेबल 4.2 में डिफरेंट जो सामान बन सकते हैं मटेरियल से, चीज़ों से, वो यहाँ पर हमें लिख बताए गए हैं। देख लेंगे यहाँ पर, जैसे कि वुड से क्या बनता है आपका? चेयर, टेबल, प्लग, बुलक कार्ड, बैलगाड़ी, ठीक है, एंड इट्स व्हील्स, उसके पहिए, है ना। पेपर, पेपर से क्या बनते हैं आपकी? बुक्स हो गई, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़ हो गया, कैलेंडर हो गया। लेदर से क्या बन सकता है आपका? अब यहाँ पे लिखना है आपको क्या बन सकता है, जैसे कि आपका बेल्ट हो गया, है ना, बेल्ट, जैकेट्स, वॉलेट, पर्स, शूज़, है ना। प्लास्टिक से क्या क्या बन सकता है, हमने अभी पढ़ा था, बकेट हो गया आपका, टॉयज़ हो गया, पाइप्स हो गए, है ना, और बहुत सी चीज़ें। कॉटन से क्या बनता है आपका, है ना, कॉटन के क्लोथ्स होते हैं आपके, बेडशीट, मास्क, मास्क आते हैं आपके, है ना। तो अलग अलग चीज़ें बनती है कॉटन से। वट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज। ठीक है, तो हमें इन टेबल से क्या पता चला? पहले हमें क्या पता चला कि जो हमारे हमने ऑब्जेक्ट्स को क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि हमने टेबल 4.2 में बढ़ाता है ना, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट था सामान, जैसे कि प्लेट, ठीक है, तो वो किस किस मटेरियल्स मटेरियल्स को हमने क्या किया, मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में हमने डिवाइड किया। मीन्स हमें पता चला कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक सामान को, ऑब्जेक्ट को, अलग अलग चीज़ों से भी बनाया जा सकता है। तो पहले हमने यही किया, वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल चीज़ों से बने हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। ठीक है, हो एक समय पे एक ऑब्जेक्ट जो है, हो सकता है एक ही चीज़ से बने, सामग्री से बने, या फिर वो अलग अलग चीज़ों से भी बन सकता है। एंड देन अगेन, ठीक है, व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन से सामान के लिए, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, कौन सी चीज़ का मटेरियल, ठीक है, कौन सी उसमें किस चीज़ से वो बनेगा, है ना। तो हमें कैसे पता चलता है कौन सा सामान किस चीज़ से बनेगा? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो हमें लगता है कि हमें और कुछ जानने की ज़रूरत है मटेरियल्स के बारे में, ठीक है, सामग्री के बारे में और चीज़ों के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम यहाँ पर। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लोथ? ठीक है, क्या आपने सोचा है कि जो टम्बलर होता है, टम्बलर मीन्स जैसे आपकी पानी की टंकी हो गई, ठीक है, वो किसी किसी कपड़े के टुकड़े से क्यों नहीं बनता है, ठीक है, या फिर किसी कपड़े से क्यों नहीं बनता है टम्बलर? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विद पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3। ठीक है, तो हमें वो याद करना है एक्सपेरिमेंट जो हमने एक क्लॉथ के टुकड़े से किया था, कपड़े से किया था चैप्टर 3 में। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। ठीक है, तो हम ये भी रखना है माइंड में कि जो टम्बलर टम्बलर हो गया आपका, किसके लिए यूज़ होता है वो? पानी रखने के लिए। देयर वुड इट नॉट बी सिली, क्या ये बहुत बेवकूफ़ी नहीं होगी कि हम जो है क्लॉथ के कपड़े में पानी रखें? ठीक
वॉट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास। टम्बलर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ग्लास हो गई आपकी, प्लास्टिक, मेटल्स, इन सब से टम्बलर बन सकता है, और अदर सच मटेरियल, और ऐसे ही अलग अलग मटेरियल जिससे कि हम पानी को रोक सकें। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। ठीक है, ऐसे ही ये क्या नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा कि हम किसका यूज़ कर रहे हैं, पेपर का, किस चीज़ के लिए, खाना बनाने के लिए। ठीक है, खाना बनाने के लिए जो हम बर्तन यूज़ करते हैं उसकी जगह हम पेपर यूज़ कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा। वी सी देन वॉट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि हम वो चीज़ जो मटेरियल किस बेस पे डिसाइड करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पर, कि वो जो हम ऑब्जेक्ट सामान है, ठीक है, तो हम किस बेसिस पर चूज़ करते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, मीन्स हम सामान बनाने के लिए उसी चीज़ का यूज़ करते हैं अगर उसकी प्रॉपर्टी उससे मिलती हो। ठीक है, मीन्स जैसे कि पानी को रोकने के लिए क्या चाहिए हमें, टम्बलर चाहिए या फिर कुछ ऐसे प्लास्टिक ऑब्जेक्ट चाहिए, एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज़, और जिस चीज़ जिसके लिए वो यूज़ हो रहा है, जिसके लिए वो यूज़ हो रहा है वो ऑब्जेक्ट भी उससे मैच होना चाहिए। सो वॉट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज। ठीक है, तो क्या वो प्रॉपर्टीज़ है जो कि मटेरियल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और उनके यूज़ के लिए। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस हियर, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई गई हैं, तो ये पढ़ेंगे हम आपका पार्ट सेकेंड में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।